हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज, आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इस साल होने वाले AEW कंपनी के रेवोल्यूशन पेपर यू का प्रीव्यू और प्रेडिक्शन। और गाइज, आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं किस साल होने वाले रेवोल्यूशन पेपर यू के लिए AEW ने कौन कौन से मैचेस पहले से एडवर्टाइज कर दिए हैं, और हमें इस साल के रेवोल्यूशन पेपर यू पर कौन से मैच का क्या रिजल्ट देखने को मिल सकता है, जिसके साथ ही हमें इस साल के रेवोल्यूशन पेपर यू पर कौन कौन से सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं। तो गाइज, ऐसे भी बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना, और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज, अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं इस साल होने वाले रेवोल्यूशन पेपर यू की, और जानते हैं कि हम इस साल के रेवोल्यूशन पेपर यू पर कौन कौन से मैचेस और मैचेस के रिजल्ट क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो गाइज, अब तक AEW कंपनी ने अपने रेवोल्यूशन पेपर यू के लिए करीब करीब 9 मैचेस कंफर्म किए हैं, जिन सभी मैचेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। और गाइज, जो हमें पहला मैच जो कि हमें पॉसिबली रेवोल्यूशन पेपर यू के बाइंग शो के अंदर देखने को मिल सकता है, वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक 6-मैन टैग टीम मैच, जहां पर हमें अंद्रादेल इडोलो, आइज़ैक कैसिडी और मैट हार्डी के साथ मिलकर डार्बी एलन स्टिंग और TNT चैंपियन सैमी गेवेरा को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज, बेसिकली इस मैच के लिए काफी लंबी बैक स्टोरी नहीं है, क्योंकि काफी दूर से अंद्रादे डार्बी एलन को अपने साथ रिक्रूट करना चाहते हैं, पर दूसरी तरफ डार्बी एलन की रायवलरी सैमी गेवेरा के साथ चल रही थी, पर फिर भी अंद्रादे ने इस रायवलरी के अंदर इंटरफेयर किया, इसलिए डार्बी एलन तो अंद्रादे के ऊपर गुस्सा थे ही, पर अंद्रादे ने सैमी गेवेरा के मैच के अंदर इंटरफेयर किया, इसलिए सैमी गेवेरा भी अंद्रादे के ऊपर गुस्सा थे, जिस वजह से यहाँ पर मैट हार्डी ने एक मैच प्रपोज किया कि क्यों ना हमें रेवोल्यूशन पेपर के ऊपर अंद्रादे रिडो, मैट हार्डी और आइज़ैक कैसिडी और डार्बी एलन स्टिंग और TNT चैंपियन सैमी गेवेरा, इनके बीच में एक 6-मैन टैग टीम मैच देखने को मिल जाए, जो चैलेंज डार्बी एलन, सैमी गेवेरा और स्टिंग ने एक्सेप्ट कर लिया है। और इसलिए हम इस साल के रेवोल्यूशन पेपर के ऊपर इन 6 सुपरस्टार्स के बीच में एक 6-मैन टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है, जिस मैच की बैक स्टोरी मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक बैक स्टोरी है। लेकिन गाइस, जहां तक बात है इस मैच की, तो मुझे लगता है कि हमें यह मैच इस साल के रेवोल्यूशन पेपर के ऊपर एक ठीक ठाक मैच देखने को मिल सकता है, जहां पर मेरी इस मैच में सिर्फ आइज़ैक कैसिडी, अंद्रादे, सैमी गेवेरा और डार्बी एलन से एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस मैच के अंदर मैट हार्डी और स्टिंग इस मैच का काफी बड़ा हिस्सा होने वाले हैं। लेकिन हमें इस मैच के अंदर इन सुपरस्टार की तरफ से 2-3 एंटरटेनिंग मूव्स देखने को मिल सकते हैं। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि डार्बी एलन, स्टिंग और सैमी गेवेरा मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि ये मैच एक काफी बेसिक मैच है और मुझे नहीं लगता कि इस बेसिक मैच के अंदर फेस सुपरस्टार हारने वाले हैं, इसलिए मेरे हिसाब से डार्बी एलन, स्टिंग और सैमी गेवेरा मैच जीत जाएंगे। लेकिन गाइज, जो अगला मैच जो कि AEW ने इस साल के रेवोल्यूशन पेपर के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है AEW कंपनी वुमेन्स डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हमें करंट TBS चैंपियन जेट कारगिल अपनी TBS वुमेन चैंपियनशिप एक ओपन चैलेंज के अगेंस्ट टाय कॉन्टी अगेंस्ट डिफेंड करती हुई दिखाई देने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज, यहाँ पर इस मैच के लिए काफी लंबी बैक स्टोरी नहीं है, क्योंकि जेट कारगिल अभी अभी TNT चैंपियन बनी है और आजकल जेट कारगिल अपनी TBS वुमेन चैंपियनशिप एक ओपन चैलेंज के अंदर डिफेंड कर रही है, और आज तक जेट कारगिल ने AEW कंपनी अपना हर एक मैच जीता है, जिससे कि जेट कारगिल का रिकॉर्ड 28-0 हो चुका है। इसलिए जेट कारगिल ने किसी भी सुपरस्टार को चैलेंज किया था कि कोई भी सुपरस्टार आकर जेट कारगिल को उनकी TBS वुमेन चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकता है, और टाइकोंटी ने आकर जेट कारगिल को उनकी TBS वुमेन चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया है। इसलिए अभी ये मैच AEW कंपनी का रेवोल्यूशन पेपर व्यू पर देखने को मिलने वाला है, जिससे आप समझ सकते हैं इस मैच के लिए काफी छोटी सी बैक स्टोरी है। पर जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइज, मुझे लगता है कि हमें ये मैच AEW कंपनी के रेवोल्यूशन पेपर व्यू पर AEW कंपनी के वुमेन्स डिवीजन से काफी बढ़िया मैच देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तरफ जेट कारगिल अनडिफीटेड है और दूसरी तरफ टाइकोंटी बहुत ही बढ़िया बढ़िया मैचेस दे रही है, इसलिए मेरी इस मैच से थोड़ी फार एक्सपेक्टेशन है। लेकिन गाइज, जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो मुझे नहीं लगता कि जेट कारगिल इतनी जल्दी अपनी TBS वुमेन चैंपियनशिप हारने वाली है, या फिर जेट कारगिल की अनडिफीटेड स्ट्रीक इतनी जल्दी खत्म होने वाली है, इसलिए मेरे हिसाब से जेट कारगिल मैच जीतने वाली है और जेट कारगिल स्टिल रहेंगी AEW कंपनी की वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। पर गाइज, इसके बाद जो अगला मैच जो कि AEW इस साल के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हमें क्रिस जेरिको को एडी किंगस्टन को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज, हम देख रहे थे कि 2.1 टाइम के ऊपर एडी किंगस्टन और क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक कर रही थी, जिससे एडी किंगस्टन और क्रिस जेरिको दोनों एक दूसरे के साथ आ गए, क्योंकि दोनों का एनिमी एक ही था जो कि थी 2.0। पर क्रिस जेरिको इस राइवलरी के अंदर सैंटाना और ओटिस ने क्रिस जेरिको की मदद की, जो देखकर एडी किंगस्टन काफी गुस्सा थे, क्योंकि एडी किंगस्टन सैंटाना और ओटिस के काफी पुराने दोस्त थे और एडी किंगस्टन को ऐसा लग रहा था कि क्रिस जेरिको सैंटाना और ओटिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए एडी किंगस्टन ने सैंटाना और ओटिस को क्रिस जेरिको के खिलाफ भड़काया और सैंटाना और ओटिस क्रिस जेरिको को छोड़कर चले गए। इसलिए क्रिस जेरिको एडी किंगस्टन के ऊपर काफी गुस्सा है कि एडी किंगस्टन ने सैंटाना और ओटिस को क्रिस जेरिको के खिलाफ भड़काया है, जिस वजह से क्रिस जेरिको चाहते थे कि क्रिस जेरिको और एडी किंगस्टन के बीच में एक मैच हो जाए, जिससे कि एडी किंगस्टन को हराकर क्रिस जेरिको को प्रूव कर देंगे कि सैंटाना और ओटिस को एडी किंगस्टन की बातें नहीं माननी चाहिए, क्योंकि एडी किंगस्टन खुद ही AEW कंपनी अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते, जिस चैलेंज को एडी किंगस्टन ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। और क्रिस जेरिको ने इस मैच से पहले एडी किंगस्टन के मन के अंदर एक डाउट पैदा कर दिया है कि एडी किंगस्टन कभी भी बड़े बड़े सुपरस्टार को नहीं हरा सकते, और आज तक बिल्कुल वैसा ही हुआ है, क्योंकि एडी किंगस्टन आज तक उनके करियर के सबसे बड़े बड़े मैचेस जैसे कि जॉन मॉक्सली या फिर CM Punk इनके खिलाफ के मैचेस नहीं जीत पाए, और क्रिस जेरिको भी वैसे ही बड़े सुपरस्टार है, इसलिए एडी किंगस्टन थोड़े फार डाउट के अंदर है कि एडी किंगस्टन क्रिस जेरिको को हरा पाएंगे या नहीं, जिस बहुत ही बड़े स्टोरीलाइन के साथ हमें ये मैच इस साल के रेवोल्यूशन पेपर व्यू पर देखने को मिलने वाला है, जो मैच मुझे लगता है कि इस साल के रेवोल्यूशन पेपर व्यू का एक एवरेज मैच होगा। लेकिन गाइस, इस मैच के लिए बहुत ही बड़ी बैक स्टोरी है, इसलिए मुझे देखना है कि इस मैच के अंदर कौन जीतता है।
और मैं रियली होप कर रहा हूँ कि इस मैच के अंदर कोई इंटरफेरेंस ना हो, जैसे कि सैंटाना और ओटीज इस मैच के अंदर इंटरफेयर ना करे। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि कैवेज मैच के बाद हमें फाइनली इस मैच के आखिर में एडी किंगस्टन क्रिस जेरिको को हराते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि गाइस एडी किंगस्टन की स्टोरी ये रही है कि एडी किंगस्टन अपने काफी बड़े बड़े मैचेस हारते हैं, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल इस बार एडी किंगस्टन अपने इस फेयर को ओवरकम करने वाले है और शायद हम इस बार एडी किंगस्टन अपना मैच जीते हुए दिखाई दे सकते हैं, इसलिए मेरे हिसाब से एडी किंगस्टन मैच जीतने वाले है। लेकिन गाइस अगला मैच जो कि एवली साल के रिवोल्यूशन पेपर्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है एवली कंपनी एमएस डिवीजन से एक लैडर मैच, जहां पर हमें फेस ऑफ द रिवोल्यूशन लैडर मैच के अंदर करीब करीब 6 सुपरस्टार कंपीट करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जिनमें से इस मैच के लिए अब तक 4 सुपरस्टार क्वालिफाई हो चुके हैं, जो कि वार्डलो, कीथली, पावर ऑफ सॉप्स और एक स्टार्स, और बाकी दो सुपरस्टार्स हमें इस वीक डायमा शुयू पर और एमपे शुयू पर इस मैच के लिए क्वालिफाई होते हुए दिखाई देने वाले हैं। और मेरे हिसाब से वो सुपरस्टार कोई बड़े सुपरस्टार नहीं होने वाले, जो कि इस मैच के अंदर काफी बड़ा इंपैक्ट पैदा करेंगे, इसलिए मैं उन सुपरस्टार के बारे में बात करने से अच्छा उन सुपरस्टार के बारे में बात करने वाला हूं जो कि इस मैच के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, जैसे कि वार्डलो, कीथली, रिकी स्टार्स या फिर पावर ऑफ सॉप्स, क्योंकि मुझे लगता है कि इन चारों में से एक सुपरस्टार हमें ये मैच जीता हुआ दिखाई दे सकता है। और गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद हमें फाइनली वार्डलो मैच जीते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि गाइस आजकल वार्डलो काफी पॉपुलर हो रहे हैं और वैसे भी जो कोई सुपरस्टार मैच जीतने वाला है उसे आगे चलकर टीएनटी चैंपियनशिप के लिए मौका मिलने वाला है, इसलिए मेरे हिसाब से वार्डलो मैच जीतने वाले है और आगे चलकर वार्डलो को टीएनटी चैंपियनशिप के लिए मैच मिलेगा, जिससे कि वार्डलो में एवली कंपनी अंदर अपनी पहली चैंपियनशिप जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं, इसलिए मेरे हिसाब से वार्डलो मैच जीतने वाले है। लेकिन सच में मैच देखने के लिए मजा आएगा, क्योंकि इस मैच के अंदर तीन बड़े बड़े हेवीवेट सुपरस्टार है, जो कि वार्डलो, कीथली और पावर ऑफ सॉप्स, जहां पर हॉब्स और कीथली को देखने के लिए मजा आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से वार्डलो मैच जीतने वाले है। पर गाइस अगले मैच के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इंडिया के अंदर एवली सुपरस्टार की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं, तो आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देखकर आप इंडिया के अंदर एवली सुपरस्टार की मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। पर जो अगला मैच जो कि एवली साल के रिवोल्यूशन पेपर्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है एवली कंपनी वीमेंस डिवीजन से एवली कंपनी वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर और चैलेंजर थंडर रोजा के बीच में एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां अगर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस इस मैच के लिए काफी लंबी और काफी बढ़िया बैक स्टोरी है, क्योंकि हम पिछले साल एवली कंपनी अंदर थंडर रोजा और डॉक्टर ब्रिट बेकर के बीच में काफी बढ़िया राइवलरी देख रहे थे, जहां पर हमें थंडर रोजा और डॉक्टर ब्रिट बेकर इन दोनों के बीच में काफी बढ़िया मैच देखने को मिला था, जिस मैच ने एवली कंपनी वीमेंस डिवीजन को एक काफी ऊंचे लेवल के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया था। पर गाइस सरप्राइजिंगली वो मैच खत्म होने के बाद डॉक्टर ब्रिट बेकर फैंस के अंदर काफी पॉपुलर हुई थी, जिसके चलते आगे चलकर डॉक्टर ब्रिट बेकर एवली कंपनी वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन पाई और थंडर रोजा ने डॉक्टर ब्रिट बेकर को उस मैच के अंदर हराया था, पर फिर भी आज तक थंडर रोजा को डॉक्टर ब्रिट बेकर के एवली कंपनी वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका नहीं मिला था, इसलिए थंडर रोजा काफी गुस्सा थी। लेकिन फाइनली एवली कंपनी रैंकिंग्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आकर अब थंडर रोजा ने डॉक्टर ब्रिट बेकर के खिलाफ अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच हासिल कर लिया है, जो इस मैच की एक बहुत ही बड़ी बैक स्टोरी है। पर गाइस जहां तक बात है इस मैच की, तो मुझे लगता है कि यह मैच इस साल के रिवोल्यूशन पेपर्यू के ऊपर एवली कंपनी की वीमेंस डिवीजन से काफी बढ़िया मैच हो सकता है, क्योंकि गाइस में पहले भी थंडर रोजा और डॉक्टर ब्रिट बेकर इन दोनों के बीच में काफी बढ़िया मैच देखने को मिला था, इसलिए मेरी इस मैच से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। और गाइस एवली कंपनी वीमेंस डिवीजन का मैच होने के बावजूद पॉसिबली ये मैच इस साल के रिवोल्यूशन पेपर्यू का मैच ऑफ द नाइट हो सकता है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि मैं इस मैच के लिए कितना एक्साइटेड हूँ और मेरे हिसाब से ये मैच कितना बढ़िया मैच हो सकता है। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इस मैच के अंदर नई वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन क्राउन होती हुई दिखाई दे सकती है, यानी कि थंडर रोजा मैच जीती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि गाइस आज तक थंडर रोजा ने एवली कंपनी अंदर बहुत ही बढ़िया बढ़िया मैचेस दिए हैं और मुझे लगता है कि अब तक थंडर रोजा को उनके मैचेस का रिवॉर्ड नहीं मिला, इसलिए शायद थंडर रोजा के बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस के रिवॉर्ड के तौर पर हमें एवली थंडर रोजा को ये मैच जितवाती हुई दिखाई दे सकती है और हमें शायद थंडर रोजा ये मैच जीतकर एवली कंपनी वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनती हुई दिखाई दे सकती है, जो कि थंडर रोजा के करियर की स्टेज के ऊपर उनके लिए काफी बड़ी अचीवमेंट होगी। पर दूसरी तरफ डॉक्टर ब्रिट बेकर का टाइटल रन भी काफी बढ़िया चल रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ब्रिट बेकर यहां पर अपना मैच हारने वाली है। पर वैसे भी ब्रिट बेकर का टाइटल रन काफी लंबा हुआ है, इसलिए मैं यहां पर मेरे चांसेस लूंगा और मैं प्रेडिक्ट करूंगा कि थंडर रोजा ये मैच जीतने वाली है और हमें मिल जाएंगी नई वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जो कि होगी थंडर रोजा, जो मेरी प्रेडिक्शन टोटली गलत भी हो सकती है। पर गाइस जो अगला मैच जो कि एवली साल के रिवोल्यूशन पेपर्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है एवली कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हमें ब्रायन डेनसन जॉन मॉक्सली को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो मैच मेरे हिसाब से पॉसिबली आज तक एवली कंपनी जैसे बड़े स्टेज के ऊपर नहीं हुआ। और हमें डेमियन ब्रायन और डीन एम्ब्रोस के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनसन के बारे में बात कर रहा हूं, जो कि इन दोनों का रियल वर्जन है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस हम देख पा रहे थे कि ब्रायन डेनसन का कहना था कि ब्रायन डेनसन और जॉन मॉक्सली ये दोनों अगर साथ में आते हैं तो ये दोनों आगे चलकर एवली कंपनी के नए जनरेशन जैसे कि डेनियल गार्सिया और ली मोरेटी इनको एक काफी खतरनाक सुपरस्टार के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मदद कर सकते हैं। इसलिए ब्रायन चाहते थे कि मॉक्सली और ब्रायन साथ मिलकर काम करें, पर मॉक्सली ने ब्रायन के ऑफर का अलग ही मतलब निकाला और मॉक्सली ने ब्रायन से कहा कि ब्रायन मॉक्सली को सिर्फ इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि ब्रायन नहीं चाहते कि ब्रायन मॉक्सली के खिलाफ मैच रसल करे, इसलिए अगर ब्रायन चाहते हैं कि ब्रायन मॉक्सली के साथ काम करे तो पहले ब्रायन को ये मानना पड़ेगा कि ब्रायन मॉक्सली से डरते हैं। लेकिन अगर ब्रायन मॉक्सली से नहीं डरते तो ब्रायन को मॉक्सली के खिलाफ एक मैच रसल करना पड़ेगा, जिसके बाद मॉक्सली ब्रायन को ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। जो बात है कि अगर जॉन मॉक्सली ने पूरा पूरा प्रेशर ब्रायन के ऊपर डाल दिया और सरप्राइजिंगली ब्रायन भी जॉन मॉक्सली के खिलाफ एक मैच रसल करने के लिए मान चुके हैं, इसलिए हम इस साल के रिवोल्यूशन पेपर के ऊपर जॉन मॉक्सली और ब्रायन के बीच में मैच देखने को मिलने वाला है, जो मैच मुझे लगता
लगता है कि इस साल के रेवोल्यूशन पेपर्यू का काफी खतरनाक मैच होगा और हमें इस मैच के अंदर काफी हार्ड हिटिंग रेसलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि ब्रायन और मॉक्सली दोनों ही काफी खतरनाक और हार्डकोर रेसलर है। इसलिए यहां पर देखने के लिए मजा आएगा कि इस मैच के अंदर ब्रायन डेनिसन और जॉन मॉक्सली इन दोनों की परफॉर्मेंस कैसी होती है। पर जहां तक बात है इस मैच के विनर की, तो गाइस पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रायन डेनिसन मैच जीतने वाले हैं, जिससे कि आगे चलकर जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनिसन एक टैग टीम के अंदर काम करने के लिए मान जाएंगे और मैं आगे चलकर इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में एक बहुत ही बड़ी टैग टीम देखने को मिल जाएगी, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन मेरे हिसाब से ब्रायन डेनिसन मैच जीतने वाले है, पर सच में ये मैच एक काफी बढ़िया मैच होगा। लेकिन गाइस अगला मैच जो कि AEW साल के रेवोल्यूशन पेपर्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन से AEW कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए चैंपियन जुरासिक एक्सप्रेस और चैलेंजर रेड ड्रैगन और एक और टैग टीम के बीच में होने वाला एक ट्रिपल टेट मैच है, जहां पर अब तक के टाइम के अनुसार इस मैच के लिए सिर्फ दो ही टीम कंफर्म हो चुकी है, जो कि चैंपियन जुरासिक एक्सप्रेस और चैलेंजर रेड ड्रैगन। पर हमें ये मैच एक ट्रिपल टेट मैच देखने को मिलने वाला है, यानी कि इस मैच के अंदर एक और टीम ऐड होगी। जो टीम कौन सी है ये जानने के लिए इस वीक डायमंड शो पर एक कैसीनो रॉयल मैच होने वाला है, जिस मैच के अंदर हमें पता चलेगा कि ट्रिपल टेट मैच ज्वाइन करने वाली आखिरी टीम कौन सी होगी। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइस वो टीम कोई और नहीं बल्कि यंग बक्स होने वाले है, क्योंकि हाल फिलहाल मेरे ड्रैगन और यंग बक्स की राइवलरी चल रही है। इसलिए मेरे हिसाब से आखिरी टीम कोई और नहीं बल्कि यंग बक्स होंगे। पर जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस जरा देखो कि इस मैच के अंदर कौन कौन है। एक तो जुरासिक एक्सप्रेस, रेड ड्रैगन और यंग बक्स, तो आप समझ सकते हैं कि मैच कितना बढ़िया मैच होगा। इसलिए मेरे इस मैच को लेकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैच एक काफी बढ़िया मैच होगा और पॉसिबली ये मैच मैच ऑफ द नाइट भी हो सकता है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच के विनर की, तो गाइस पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्रॉब्ली इस ट्रिपल टेट मैच के अंदर रेड ड्रैगन और यंग बक्स एक दूसरे के अंदर उलझे हुए दिखाई दे सकते हैं, और शायद इसी का फायदा उठाकर जुरासिक एक्सप्रेस से मैच जीतने वाली है और जुरासिक एक्सप्रेस स्टिल रहेंगे AEW कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस अगला मैच जो कि AEW ने साल के रेवोल्यूशन पेपर्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक वन ऑन वन डॉकलर फाइट मैच, जहां पर हमें सीएम पंक MJF को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस MJF को लग रहा था कि MJF AEW कंपनी के बेस्ट रेस्टर है, लेकिन जब सीएम पंक AEW कंपनी अंदर आए तब सीएम पंक ने MJF से कहा कि सीएम पंक बेस्ट इन द वर्ल्ड है, और इसलिए हमें MJF और सीएम पंक इन दोनों के बीच एक राइवलरी शुरू होती हुई दिखाई दी, जहां पर इन दोनों ही सुपरस्टार्स ने एक दूसरे काफी इंसल्ट की, जिसके बाद हमें फाइनल डायनामाइट शो पर MJF और सीएम पंक का एक मैच देखने को मिला, जहां पर हमें सरप्राइजिंगली MJF जीतते हुए दिखाई दिए। पर सीएम पंक इस रिजल्ट से खुश नहीं थे, इसलिए आगे चलकर सीएम पंक ने MJF खिलाफ अपना एक रीमैच अर्न कर लिया। पर इस बार ये मैच कैसा होगा, कब होगा और हमें ये मैच कहां पर देखने को मिलेगा, ये सब चीजें सीएम पंक डिसाइड करने वाले थे। और पंक ने यहां पर MJF को एक डॉकलर फाइट मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। पर इस मैच के पहले MJF ने सीएम पंक को एक स्टोरी बताई, जिस स्टोरी के अंदर MJF ने सीएम पंक को बताया कि सीएम पंक ने पहले रेसलिंग क्विट कर MJF की स्पिरिट ब्रेक कर दी थी, और अब सीएम पंक दोबारा से MJF को डिफीट कर MJF की रेसलिंग करने की स्पिरिट ब्रेक करने वाले है, जिससे सीएम पंक काफी गिल्टी फील कर रहे हैं, क्योंकि सीएम पंक ने पहले MJF को एक बार डाउन किया है, और अगर सीएम पंक इस बार भी MJF को इस मैच के अंदर हराते हैं तो सीएम पंक फिर एक बार MJF को अंदर से तोड़कर रखने वाले हैं। इसलिए यहां पर देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर कौन जीतता है, क्योंकि जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस ये बात कंफर्म है कि हमें ये मैच एक काफी बढ़िया मैच देखने को मिलने वाला है, क्योंकि हमें MJF और सीएम पंक इनके बीच में बहुत ही बड़े बड़े मैचेस देखने को मिले हैं, और मुझे लगता है कि ये मैच भी एक काफी बढ़िया मैच होगा। पर यहां पर मजा ये देखने के लिए आने वाला है कि मैच कौन सा सुपरस्टार जीतेगा। पर गाइस जहां तक बात है मेरी, तो गाइस मैं चाहता हूं कि MJF मैच जीते, क्योंकि यहां पर एक बहुत ही बड़ा स्टोरी लाइन बन सकती है कि सीएम पंक फिर एक बार MJF की स्पिरिट ब्रेक नहीं करना चाहते थे, इसीलिए सीएम पंक ने MJF को मैच जितवा दिया, जिससे कि अपनी राइवलरी का मैच जीतकर आगे चलकर अगर MJF और वार्डलो के बीच में एक राइवलरी होती है, तो गाइस वहां पर MJF को हारता हुआ देखने के लिए काफी मजा आएगा। पर दूसरी तरफ MJF ने सीएम पंक को पहले भी हराया है, इसलिए इस बार इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा है कि सीएम पंक इस मैच के अंदर MJF को हराए। इसलिए मेरी प्रेडिक्शन रहने वाली है कि सीएम पंक इस मैच के अंदर MJF को हराने वाले है। लेकिन गाइस मैं चाहता हूं कि MJF इस मैच के अंदर सीएम पंक को हराए, पर देखते हैं कि रेवोल्यूशन पेपर्व्यू के अंदर क्या होता है। पर गाइस रेवोल्यूशन पेपर्व्यू के आखिरी मैच के बारे में बात करने से पहले, मैं यहां पर रेवोल्यूशन पेपर्व्यू के ऊपर हमें देखने को मिलने वाले सरप्राइजेस के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि हमें AEW कंपनी हर एक पेपर्व्यू के ऊपर कोई बड़ा सुपरस्टार AEW कंपनी अंदर अपना डेब्यू करता हुआ दिखाई देता है, और इस बार भी ऐसे बहुत सारे सुपरस्टार्स है जो कि हमें इस साल के रेवोल्यूशन पेपर्व्यू के ऊपर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अभी मैं ये तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि हमें कौन सा सुपरस्टार इस साल के रेवोल्यूशन पेपर्व्यू के ऊपर हमें कहां पर डेब्यू करता हुआ दिखाई दे सकता है, पर पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इस साल के रेवोल्यूशन पेपर्व्यू के ऊपर पॉसिबली जॉनी गार्गानो अपना AEW कंपनी अंदर डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर जो आखिरी मैच जो कि AEW ने इस साल के रेवोल्यूशन पेपर्व्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल वन ऑन वन मैच, जहां पर हमें AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि हैंगमैन एडम पेज अपनी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर एडम कोल के अगेंस्ट डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज यहाँ पर भी इस मैच के लिए काफी लंबी बैक स्टोरी नहीं है, क्योंकि AEW कंपनी के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आने के बाद एडम कोल ने हैंगमैन पेज को AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया है, और हैंगमैन पेज ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए हम इस साल के रेवोल्यूशन पेपर के ऊपर एडम वर्सेस एडम यानी कि कोल वर्सेस पेज इनके बीच में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक मैच देखने को मिलने वाला है। पर AEW कंपनी के अंदर तो नहीं, लेकिन इसके पहले रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अंदर एडम पेज और एडम कोल इनके बीच में काफी बड़ी हिस्ट्री रह चुकी है, जहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम एडम कोल ने एडम पेज को हराया है। इसलिए यहां पर देखना पड़ेगा कि फाइनली अब AEW कंपनी के अंदर एडम कोल और एडम पेज के बीच में कौन से एडम को हराता है। पर जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस मुझे लगता है कि हमें ये मैच एक काफी बढ़िया मैच देखने को मिल सकता है,
क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि एडम कोल और एडम पेज दोनों ही बहुत ही बड़े बड़े मैचेस देते हैं। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉसिबली हम इस मैच के आखिर में रेड ड्रैगन यानी काइल रॉयली और बॉफिश यहां पर आकर एडम कोल की मदद करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और क्या पता एयूली कंपनी के टैग टीम चैंपियनशिप के मैच के अंदर यंग बक्स और रेड ड्रैगन की ना बनी हो, इसलिए हमें यंग बक्स यहां पर आकर एडम पेज की मदद करते हुए दिखाई दे, जिससे कि हमें काफी शॉकिंग तरीके के अंदर एडम कोल और यंग बक्स का रियूनियन देखने को मिल सकता है। और क्या पता इसी चीज का फायदा उठाकर एडम पेज ये मैच जीत जाए, जिससे कि एडम पेज स्टिल रहेंगे एयूली कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और हमें पॉसिबली इस साल के रेवोल्यूशन पेपरव्यू के आखिर में यंग बक्स और एडम पेज इनकी रियूनियन के साथ इस साल का रेवोल्यूशन पेपरव्यू खत्म होता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि इस साल के रेवोल्यूशन पेपरव्यू को एंड करने का एक काफी बढ़िया तरीका होगा। क्योंकि आपको भी पता है कि सुपरस्टार किस किस के थ्रू गए हैं, इसीलिए आप मुझे कमेंट कर बताइए कि सबके ऊपर आपका क्या कहना है। और ऐसे ही एवली कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एवली कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing at all with me this time?